यूएसएस प्लेन व्यू, जिसे फ्लाइंग शिप भी कहा जाता था। इसे वर्ल्ड वॉर टू में यूएस नेवी ने सोवियत यूनियन के हाई स्पीड सबमरीन से कम्पीट करने के लिए बनाया था। ये वैसे ही चलती थी जैसे कि नॉर्मल कम्बैट शिप चलती है, लेकिन इसमें लगे एडवांस हाइड्रोफ्लिप्स पानी के वेव्स को आसानी से कॉपरेट करके शिप की स्पीड को बढ़ा देते थे। शिप की नॉर्मल स्पीड अप्रॉक्स 91 किलोमीटर पर आवर होती थी, जो कि सोवियत यूनियन के अंडर वाटर सबमरीन को आसानी से कम्पीट करती थी। और इमरजेंसी में इसके हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से शिप की स्पीड को 170 किलोमीटर पर आवर तक अचीव किया जा सकता था। पर यूएस नेवी ने शिप की डिमिशन क्यों करवा दी? क्योंकि इस शिप को बनाने में 14 साल का समय लगता था, जब तक दूसरे हाईटेक हेलीकॉप्टर्स अंडर वाटर सबमरीन को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देते थे। और हाइड्रोफ्लिप शिप्स की मजबूती नॉर्मल कम्बैट शिप से कम होती थी, और ये इफेक्टिवली स्टिल वाटर में ज्यादा कम्फर्टेबल थी, जैसे कि लेक्स में। ये हैवी लोड भी कैरी नहीं कर पाती थी, जिसका मतलब इन पे हैवी वेपन्स भी नहीं कैरी किया जा सकता था। ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करने की वजह से ये कन्वेंशनल शिप के मुकाबले में ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं थी। यूएस के पास 6 फास्ट पेट्रोलिंग हाइड्रोफ्लिप शिप्स थी, पर 1991 में यूएस और सोवियत यूनियन का कोल्ड वार खत्म हो गया और इन 6 हाइड्रोफ्लिप शिप्स को पूरी